हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में गूगल अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, गूगल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमको यूट्यूब में जाना होगा। तो हम यूट्यूब में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे हमको क्लिक करना है। यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पे अपना आइकन, जिसे हम यूट्यूब चलाते हैं, वो आपको यहाँ पे शो होगा, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नाम आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपका एड अकाउंट यहाँ पे आता है, तो उसको हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चेकिंग इन्फॉर्मेशन शो होता है, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल में है गूगल का है, सब यहाँ पे चेक होता है। अब आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा, तो आपको सीधा क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद अगर आप बिजनेस के लिए अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए लिखेंगे टू मैनेज माई बिजनेस, और अगर आपको खुद के लिए बनाना है तो फिर फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करेंगे। तो फॉर माई सेल्फ पर मैं क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके का आपको शो होगा। अब आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना होगा, तो मान लीजिए कि मुझे अपना नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद आपका जो भी टाइटल जो है, जो आपका सरनेम है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने को मिलेगा। आपको यहाँ पे अपना बर्थडे लिखना होगा और आपको अपना जेंडर यहाँ पे शो करना होगा। तो मेरा जब बर्थडे है, मैं वो लिख देती हूँ, जनवरी 10th 2001। अब मैं यहाँ पे अपना जेंडर लिख देती हूँ, मैं फीमेल हूँ। अगर आप मेल हैं तो आप मेल पे लिखिएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी ईमेल एड्रेस है आपको यहाँ पे शो करता है, वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पे दो ईमेल एड्रेस आपको शो करेगा, वो अगर आपको जमता है, अच्छा लगता है, तो आप ले सकते हैं। वरना अगर आपको खुद का ईमेल एड्रेस अपने नाम से बनाना है या कोई आपका फेवरेट नंबर है, लकी नंबर है, तो उससे भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देती हूँ, सिन्हा अनुष्का 374 पर। उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक पर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना होता है, जो कि एकदम स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, ताकि आपका जो अकाउंट है गूगल का वो हैक ना हो सके। तो आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म करना होता है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख करके कंफर्म कर देती हूँ। आपको अपने जब पासवर्ड जब साइन अप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ होता है, इफ़ यू लाइक यू कैन ऐड दिस फोन नंबर टू योर अकाउंट फॉर यूज अक्रॉस गूगल सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का शो मिलता है। उसके बाद आपको यस आई एम इन पर क्लिक कर देना होता है, तो हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपका ईमेल एड्रेस है जो आपने सिलेक्ट किया था, वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। तो उसके लिए हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है, तो नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये जो प्राइवेसी का जो भी होता है, वो आपको यहाँ पे रहता है कि आपका गूगल मैप और गूगल का जितना भी सर्विसेज है वो काम आपका करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे बस आई अग्री पर क्लिक करना होता है। आई अग्री पर क्लिक करने के बाद आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो वापस से चेक होता है गूगल सर्विसेज के द्वारा, तो देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो अकाउंट जो है वो फाइनली तैयार हो जाता है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरा ये जो अकाउंट जो था 374 वाला, यहाँ पे आ चुका है। तो मेरा जो अकाउंट है गूगल का वो बन चुका है, और इस तरीके से हम गूगल अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई सभी प्रॉब्लम आ रहा है इस उपाय को करने में, तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।